अवधेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जब भी मिलना होता तो पिछले समय का भी सारा विषय उनको साथ चर्चा की जाती है। जैसे अभी राज्यसभा के चुनाव के बारे में भी चर्चा हुई, हमारे जो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट कार्तिकेय शर्मा, उनको भी उनको मिलवा दिया था, कट से कॉल थी उनकी, और इसमें कोई बहुत विषय नहीं है। पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो जो कि चुनाव में लगे हुए हैं, उनको जैसे ही 19 तारीख के बाद फ्री होंगे उनको भी आकर के मिलवा देंगे। हमारा ये काम है, मिलवाते हैं। बाकी उसमें प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में भी सब चर्चाएं हुई हैं और एक संगठनात्मक काम को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सारी चर्चाएं हुई। सर, राजनीतिक जीत के तौर पर आए हैं आप, कहीं ना कहीं उसके बाद आगे बड़ा कद हुआ, दो सीटें आपने जीता दी है। राजनीतिक कद के साथ साथ आगे की कोई योजनाएं ऐसी जो आप लोग मतलब अभी हरियाणा में इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से कहीं ना कहीं पार्टी स्तर पर भी? और सर, खासतौर से नड्डा साहब ने भी फिट पाई होगी, दो सीटें आप लेकर आए हैं तो देखिए स्वाभाविक है, जीत के साथ सबकी चलने की इच्छा होती है तो इसलिए हम जीते हैं, तो स्वाभाविक है। नड्डा जी भी प्रसन्न हुए हैं, हमारे पार्टी के सभी नेता प्रसन्न हुए हैं कि दो जो सीटें थी दोनों की दोनों जो हमको हमारे पास दोबारा आई हैं, क्योंकि जो रिटायर होने वाले थे वो भी दोनों हमारे थे और अब जो आए हैं ये भी दोनों हमारे आए हैं, इसलिए हमारे हरियाणा का कोई जो नुकसान ना हो इस पर हमारा ध्यान था, वो पूरा हुआ है, ताकि हम केंद्र में जो भी राज्यसभा की सीटें हैं उसको हरियाणा के नाते से जितना हमारा पहले था उतना बना रहे। सर, एक मैसेज कहीं ना कहीं जाता है इस तरह की जीत के साथ, कहीं ना कहीं निकाय चुनाव भी हैं वो हरियाणा स्तर पर नतीजे आते रहेंगे, 2024 के लिए एक मोमेंटो के तौर पर क्या आप और पार्टी देखती है कितना असर रहेगा भविष्य मतलब के लिए राज्यसभा चुनाव के? देखिए, हर एक जो सफलता होती है उस सफलता के नाते से आगे उसका एक लाभ निश्चित होता है, सफलता के बाद अगली सफलता में उसका योगदान होता है। इसलिए लगातार हम पिछले जो 7-8 वर्ष से, चाहे हमारे उस समय के नगरीय चुनाव हुए थे, बाद में विधानसभा के चुनाव हुए, अभी ये जो राज्यसभा के चुनाव हैं, फिर नगरीय चुनाव हैं, इस बार पंचायतों के चुनाव हैं, फिर लोकसभा के चुनाव आएंगे, विधानसभा के चुनाव आएंगे, एक के बाद एक लगातार हमको चुनाव की सफलता मिल रही है। पिछले चुनाव की सफलता का अगले चुनाव की सफलता में योगदान निश्चित होता है। सर, दूसरी सीट के लिए तो नड्डा साहब काफी खुश नजर आए होंगे, आप भी मुस्कुरा रहे हैं तो आप भी खुश हैं, तो वो क्यों नहीं खुश होंगे, हम भी खुश हैं, वो भी खुश है, आप भी खुश हैं। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।